जय हिंद एवरीवन। तो स्वागत करता हूं आप सबका हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम टीए आर्मी से रिलेटेड सारे क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि टीए आर्मी भर्ती कहां होगी। टीए आर्मी भर्ती जितने भी रेजिमेंटल सेंटर हैं इंडियन आर्मी के वहां पे कंडक्ट की जाएगी, जिसमें अगर आप कहीं से भी हैं 18 से 42 साल के एज के हैं तो आप वहां पे पहुंच सकते हैं। और भर्ती में जाने के लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है, कोई भी फीस आपसे नहीं ली जाती है, ना ही आपको कोई एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ता है। आप सीधा वहां पहुंचोगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके और वहां पे जाके आप सीधा अटेंड करोगे, ठीक है। तो फिजिकल में आपका क्या होगा, फिजिकल में 1 माइल की रनिंग होती है जो 1600 मीटर की रनिंग होती है, और उसमें आपके टाइम जो है 5.5 मिनट आपको मिलेगा अगर आप 18 से 30 साल के हैं, और या आप 30 साल से 42 साल के एज में आते हैं तो आपको 6.5 मिनट का टाइम मिलेगा। ये रही बात फिजिकल की। फिजिकल स्टैंडर्ड क्लियर करने के बाद आपकी होगी मेडिकल, देन आफ्टर डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद सीधी आपकी एग्जाम होंगे। जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें आपके हिंदी इंग्लिश जीके जी ऐसे सवाल आएंगे और वो बहुत ही ईजी रहते हैं। मतलब 8 से 10th स्टैंडर्ड के क्लासेस के आपके उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो आप आराम से कर सकते हो। ये सिंपल सा एक सिलेक्शन प्रोसेस है टीए आर्मी भर्ती का। अब दूसरा आता है कि अगर भैया मेरी एज अभी 17 साल इतने महीने हैं, भैया सिंपल ये कहा गया है कि 18 से 42 हैं तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज नहीं जा सकते। अब जैसे कोई बिहार का बंदा है या फिर उत्तर प्रदेश का बंदा है या उत्तराखंड का है, तो वो अपने रैली डेट पे ही अपनी रैली भर्ती देख पाएगा। जैसे पिथौरागढ़ में सेंटर है और उसके बाद फिर दानापुर में रेजिमेंटल सेंटर पे भर्ती है, जैसे 16 तारीख को दानापुर में भर्ती है, तो बंदे 16 तारीख को ही वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके सारे डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उनका फिजिकल होगा। और एक सवाल ये भी आता है कि भैया हम अनमैरिड सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है? जी बिल्कुल जरूरी है। अनमैरिड सर्टिफिकेट आप बना के जाओगे तभी आप भर्ती देख पाओगे। अगर कोई शादी कर चुके हैं तो आप प्रादेशिक सेना में नहीं आ सकते। और फिर एक अगला सवाल एक बंदे ने पूछा था, भैया इसमें फिजिकल में रनिंग के बाद क्या होता है? रनिंग के बाद आपकी पुलअप्स होते हैं, ठीक है। आपके अगर आप 5 से कम पुलअप लगाते हो तो आप फेल हो जाते हो, उससे ऊपर के आपको उसके मार्क्स मिलते हैं। साथ ही आपके पास अगर स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट है, एनसीसी की सर्टिफिकेट है या फिर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है, तो ये आप साथ में लेके जाओगे तो इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो अब इसके कितने, इसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, तो इस हिसाब से आप अपने सर्टिफिकेट को लेकर जाओगे। और इसके बाद आपका फिजिकल होता है। और उसके बाद एक सवाल और भी आता है, एक बंदा पूछ रहा था कि भैया आप ये बताइए कि टीए आर्मी में कितना टाइम मिलता है? देखिए 5.5 मिनट का टाइम है, लेकिन वहाँ जो बैच बनेगा वो 500-600 के बैच बनेंगे, क्योंकि भीड़ बहुत है और इतने अगर एज के स्टैंडर्ड अगर वहाँ पे देखे जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाने वाले हैं। तो अपने हिसाब से अगर आप जितना कम से कम टाइम में रनिंग कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये सब क्वेरी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। साथ ही और भी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भैया मैं कैसे जानूंगा कि मेरा रैली कब है और मेरा रैली कहाँ है? तो सारी रैली की डेट ऑलरेडी टीए आर्मी की वेबसाइट पे आ चुकी है, आप जाके नोटिफिकेशन चेक करिए। और ये दिसंबर तक ये सारी भर्ती क्लियर हो जाएगी, आप लोग आराम से जाके अपने रैली डेट को चेक करो। रैली डेट आपको मिल जाता है तो रनिंग की प्रैक्टिस करो और जाकर अपनी फिजिकल को अटेंड करो। तो टीए आर्मी से जुड़े कोई भी चीज़ पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यही थी आज की हमारी छोटी सी क्वेरीज जो बच्चे पूछ रहे थे, और बाकी वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे लगाऊंगा भी, वहाँ भी आप हमें फॉलो करें और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन खुश रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।